नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल राप सभी का मैं सूरजमल राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी विषय के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव इसमें लिख करें। तो आज हम हिंदी का प्रथम टॉपिक वर्ण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले, वर्ण से चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा हिंदी शब्द के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि हिंदी शब्द तत्संग है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी है। तो एक तरीके से ये लग रहा है कि हिंदी है वो हिंदी भाषा का शब्द है या तद्भव है, लेकिन ये हिंदी भाषा का शब्द न होकर ये विदेशी शब्द है। ये विदेशी शब्द है यानी हिंदी शब्द है वो फारस देश की भाषा, फारसी भाषा से लिया गया, इस वजह से ये शब्द रहता है विदेशी शब्द। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक वर्ण है। वर्ण से पहले, जैसे मान लो हमारी हिंदी भाषा है और भाषा में हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं कि जो भी हम लिखते हैं पढ़ते हैं उसको शुद्धता रूप देने के लिए हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। व्याकरण में मुख्य रूप से वर्ण हो गया, शब्द और वाक्य का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से वर्ण, शब्द और वाक्य का अध्ययन करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं किसी विद्यार्थी हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन एक ये आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई होती है, उच्चारित मतलब बोलने वाली इकाई। इसके बाद में क्वेश्चन आता है अगला कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। क्वेश्चन हो गए तीन यहाँ पर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई होती है या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई होगी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी वर्ण। मैं जैसे बोल रहा हूं ये तो मेरी ध्वनि है, और इसी को मैं अगर यहां पर लिपि का रूप दे देता हूं तो वो क्या होगा, वर्ण होगा। जैसे मैंने ए बोला ए, और इस ए को मैंने लिख दिया तो ये क्या कहलाया, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। तो इसका आंसर रहता है शब्द, सार्थक इकाई में आएगा शब्द। तो चार क्वेश्चन सीधे सीधे टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है। इसके बाद में हम वर्णों का वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे, वर्गों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से जो वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या वो होती है 44, वर्णों की संख्या 44। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में इनका वर्गीकरण अलग अलग ढंग से किया गया है, 46, 44, 48, 50 और 52। अलग अलग 46,
48, 50, 52 और 44, तो 46 गलत है और ये भी गलत है। सही कौन से वाला देता है 44, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी जो मैटर है उसके अंदर 44 वर्णों की संख्या बताई गई है। तो ये विभिन्न विद्वानों के मत कि 46, 48, 50, 52 होते हैं, लेकिन ये सारे गलत होते हैं। वास्तविक कुल संख्या आएगी वो 44 होगी। ये आगे क्लियर भी हो जाएगा कि 44 किस प्रकार से थे, 46 किस प्रकार से थे और जो 50 और 52 है उनकी संख्या किस प्रकार से थी। तो मुख्य रूप से हमें इनकी संख्या माननी है 44। इसके बाद में हम देखेंगे कि वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो वर्णों के भेद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के भेद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला स्वर स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वरों की संख्या 11 और इसकी व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो इस प्रकार से इसका दोनों का टोटल हो जाएगा 44 वर्ण। तो इनको भी हम बड़ा बड़ा स्वर वर्ण, जो वर्ण है वो 11 होते हैं और जो व्यंजन वर्ण होते हैं 33, टोटल हो गए 44। और इन सब का अध्ययन हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पर बात करते हैं स्वर की। स्वर है वो 11 हैं, कौन कौन से होते हैं कि जो भी हम वर्ण का उच्चारण करते हैं जिससे हमें बोलने में कोई मुश्किल ना हो, यानी एक ही आघात के साथ बोला जाए, वो स्वर है। स्वरों की संख्या 11 और ए आ इ ए उ उ रे ए आई ओ और औ, इनकी संख्या होती है 11, ऐसे लेकर औ तक, ऐसे लेकर औ तक। कुछ विद्वानों ने इनको भी साथ जोड़ दिया है, ये तो अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग, इन दोनों का नाम होता है अयोगवाय। ये तो है अनुस्वार और ये है विसर्ग, इन दोनों को समझाने के लिए ये वर्णमाला के अंदर डाले जाते हैं और इन दोनों का नाम होता है अयोगवाय। तो इस स्वर ने होकर एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है और इन दोनों का नाम है अयोगवाय और ये टोटल हो गए 11। तो हम मुख्य रूप से स्वरों का जो विभाजन है अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उन अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे मात्रा या फिर काल के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद मात्रा काल या समय के आधार पर स्वरों का भेद वो करेंगे हम दो प्रकार से, भेद करेंगे हम दो प्रकार से। कैसे? एक नंबर पर हर्षव, हर्षव का मतलब छोटा, छोटा लघु, यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है वो हर्षव छोटा लघु, यानी समय या काल मात्रा, यानी जिनकी मात्राएं छोटी है वो, या जिनको बोलने में कम समय लगे, ठीक है, उनकी संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से होंगे? ए ई उ और रे। ए ई उ और रे जिनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। ए ई उ और रे ये मूल स्वर भी है, हर्षव छोटा लघु ये सारे स्वर हैं, इनकी संख्या हो गई 4। अब दो नंबर पर बात आती है, गुरु बड़ा या दीर्घ,
इनकी संख्या टोटल हमारे पास 11 है, 4 इसके अंतर्गत आ गए तो बच गए कितने 7। बाकी जो बचे हैं वो लघु गुरु जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनकी संख्या होती है 7। आ ई उ ए आई ओ औ इनकी संख्या हो गई 7। ये तो था मात्रा या काल या समय के आधार पर विभाजन कि हर्ष और स्वर की संख्या 4 ए ई उ ऋ। गुरु वड़ा या दीर्घ इनकी संख्या 7 आ ई उ ए ऐ ओ औ। इसके बाद में दूसरा विभाजन इसका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा विभाजन स्वरों का उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति इन स्वरों की किस प्रकार से हुई है तो हम देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर दो नंबर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद होंगे 3। 3 प्रकार से हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, जिनमें से पहला है मूल स्वर, पहला है मूल स्वर। यहां पर जब बात की थी हमने लघु स्वर हर्षव जिनको बोलने में कम समय लगता है अर्थात ए ई उ और रे, ये होते हैं मूल स्वर। ये अपने आप में मूल स्वर अर्थात उप स्वरों की ये एक तरीके से जड़ है, ठीक है। और बाकी जो स्वर है वो इनसे मिल मिलकर बने हैं। तो कौन कौन से हो गए, ए ई उ और रे। इसके बाद में दो नंबर पर बात आती है यौगिक स्वर, दो नंबर पर बात आती है यौगिक स्वरों की। नाम है योग, नाम है इनका योग प्लस इक, योग प्लस इक से शब्द बना है योगिक, योग प्लस इक यानी यहां पर दो स्वरों का योग होगा, यहां पर दो स्वरों का योग होगा। स्वर भी कैसे होने चाहिए कि उनका उच्चारण स्थान एक ही वर्ग हो अर्थात दोनों एक ही जगह से बोले जाने वाले स्वर हो, वो होंगे 3। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम इसकी बात करते हैं आ की, यहां पर हो गया आ, इसका वर्गीकरण देखते हैं ए प्लस में ए, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया यानी दोनों एक ही जगह से बोले जाएंगे तो ये भी कौन सा हो गया आ। इसके बाद में बात करते हैं दीर्घ ए की, इसका उच्चारण स्थान हर्षव ए प्लस हर्षव ई यानी उनका उच्चारण स्थान दोनों का तालु और ये भी तालु। इसके बाद में तीसरे की बात करते हैं उ, तीसरे की बात करते हैं उ और उ हर्षव उ प्लस में हर्षव उ और यानी उच्चारण स्थान इनका होस्ट या होठ और इसका भी उच्चारण स्थान होता, तो इनकी संख्या टोटल हो गई 3। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार कौन सा है, संयुक्त, संयुक्त यानी दो अलग अलग उच्चारण स्थानों से, दो भिन्न उच्चारण स्थानों से बनने वाले स्वर, इनकी संख्या हो गई अब 4। 4 3 7 4 11 टोटल हमें 11 करने हैं। ये 4 कौन कौन से, ये हो गया ये भी हो गया, अब बच गए 4 ये, तो ए आई ओ और औ। अब ए यानी भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से बना है ए प्लस में ई, ए प्लस क्या है ई यानी कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से मिलकर बना है ये कंठ तालु, भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान हो गया, ये बन गया ए प्लस में ए से भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से, ये बन गया ए प्लस सु भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से, ए कंठ हो गया, उ हो गया ओष्ट, अब यहां पर ए प्लस में ओ।
तो इस प्रकार से ये हो गए संयुक्त संख्या चार और यौगिकों की संख्या तीन और मूल स्वर चार। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद तीन प्रकार से। इसके बाद में अगला हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तीन नंबर पर बात करते हैं हम जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद तो ये भी होते हैं तीन प्रकार से। एक जीभ होती है, उसके भी आगे से बोले जाएंगे, मध्य से बोले जाएंगे, या जो पीछे का भाग है वहां से बोले जाएंगे। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से बांटा जाता है इनको। एक नंबर पर होता है अग्र यानी आगे का हिस्सा, अग्र स्वर। दो नंबर पर होंगे मध्य स्वर यानी जो बीच की स्थिति से बोले जाएंगे। इसके बाद में होंगे तीन नंबर जो बोले जाएंगे पश्च यानी पीछे के, या जो अंतिम हिस्सा है वहां से बोले जाएंगे। तीनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से हो गया। अब सबसे पहले हम मध्य स्वर याद रखना है। मध्य स्वर एक है, मध्य केवल एक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ई और रे, पांच एक छह, अब कितनी बच गई, पांच और। अब देखेंगे और एक और बच गया, यहां लिखेंगे हम आ। इनकी संख्या पांच, इनकी संख्या पांच। अग्र से बोले जाएंगे ई ए आई और री, मध्य भाग से बोले जाएंगे अ, और पश्च से यानी आ, पीछे से ध्वनि आ रही है ओ। तो ये हो गया जिह्वा के आधार पर या जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद तीन प्रकार से। तो ये तो था बड़ा बड़ा स्वरों का विभाजन। मुख्य रूप से स्वर होंगे 11 और 4 ए ई उ और री मूल स्वर, और बाकी स्वर होंगे दीर्घ। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे व्यंजन। इसके बाद में हम देखेंगे व्यंजन। आपको बताया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33 होगी, क्योंकि हमने स्वर निकाल दिए 11, बाकी कितने बच गए, 33, 33 होंगे व्यंजन। तो इनका भी वर्गीकरण अलग अलग से किया गया है। मुख्य रूप से जो व्यंजन है उनके मुख्य रूप से तीन प्रकार बताए, मुख्य रूप से तीन ही प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा प्रकार है उष्म घर्षित व्यंजन या तापीय व्यंजन, क्या तापीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, और उष्म व्यंजन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के विभाजन में 33 वर्णों को, 33 व्यंजनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारे व्यंजन है वर्णमाला के 33, उनको यहाँ पर लिख रहा हूँ। क, ख, घ, ञ, छ, ट, ठ,
इसके बाद में य र ल व या य व र और ल। लास्ट बच गए उष्म यानी श स। कैसे लेकर मैं तक और य र ल व और श है, इनका विभाजन 33 वर्णों का विभाजन ये हो गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक लाइन है उनकी अलग अलग नाम है, यानी जो कैक है वाली लाइन है इस लाइन का हम वर्गों के विभाजन में कहते हैं कि यह लाइन कौन सी क वर्ग है। क वर्ग, इसी प्रकार से ये च वर्ग, इसी प्रकार से ये ट वर्ग, इसी प्रकार से ये त वर्ग, इसके बाद में पैवर्ग, हिंदी वर्णमाला में इन पांच लाइनों के नाम है कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, यानी पहले पहले अक्षर से एक वर्ग बनाया गया और इनका नाम वर्गीय व्यंजन भी होता है। कैसे लेकर मैं तक इनकी संख्या होती है 25 और ये होते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन होते हैं, इसके साथ साथ स्पर्श व्यंजन भी इन्हीं को ही कहते हैं। इनकी भी संख्या होती है 25, यानी जो वर्गीय व्यंजन है इसका दूसरा नाम ये भी होता है वर्गीय व्यंजन। यानी 5 से 33 में से इन कैसे लेकर 5 जो मैं है इस तक वर्गीय व्यंजनों में डिवाइडेशन किया गया, तो यहाँ पर होता है कैसे मैं तक वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसके बाद में आगे वाली लाइन, ये लाइन य र ल व या य व र ल, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो इनकी संख्या हो गई 4, य र ल व। लेकिन दोस्तों अगर इनका क्रम सही पूछा जाता है तो इनका क्रम रहता है य व र ल, सही क्रम ये रहता है, सही क्रम। संस्कृत में भी ये माने जाते हैं और सही क्रम में भी ये माने जाएंगे। अगर परीक्षा में ऐसे आता है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम होगा तो अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम य व र ल होता है, क्योंकि इनका निर्माण स्वरों से हुआ है और स्वरों का भी क्रम रहता है और इनका भी क्रम रहता है। तो इसके बाद में 4 बच गए और जो तालव्य से है, मूर्धन्य से, दंत्य से और कंठ्य वर्ण, तो इनकी भी संख्या 4 हो गई। स तीनों स पहले वाले और अंत में बच गया है, तो इनको बोलते हैं तो उष्मा, उष्मा लगती है और घर्षित है। तो उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स स स को। तो मुख्य रूप से 33 ये हो गए, 25, 29 और 33 मुख्य रूप से बड़ा बड़ा विभाजन इनका। एक नंबर पर स्पर्श व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक 25 यानी वर्गीय व्यंजन, अथस्थ व्यंजन यानी य र ल व, यानी सही क्रम पूछा जाएगा तो य व र ल। इसके बाद में उष्म व्यंजन या घर्षित या तापीय व्यंजन, स स स है। मुख्य मुख्य बड़ा बड़ा विभाजन 3 ही प्रकार से किया गया, लेकिन कुछ अन्य विभाजन भी इनके किए गए, वो भी हम देख लेते हैं। अन्य विभाजन में हम देखेंगे कि जब वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो क्ष त्र य और ये भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अन्य भेद में आता है एक नंबर पर संयुक्त व्यंजन
संयुक्त व्यंजन में आएगा एक नंबर पर, बात करते हैं क्ष की, त्र की और श्र की, चारों की बात करेंगे हम कि इसका निर्माण कैसे हुआ इसका, क्योंकि हम मूल व्यंजनों में 33 में से इनको क्यों लेते हैं, इनका एक कारण है, क्योंकि इसका तोड़ होता है क हलंत यानी क आधा स हलंत प्लस में अ, इसका तोड़ रहता है क हलंत श हलंत और ए। दोस्तों देखेंगे हमने क श ए ले लिया, क हमने वर्गीय व्यंजनों में ले लिया, स हमने उष्ण व्यंजनों में ले लिया और ए हमने स्वरों में ले लिया, तो इसलिए हम इन 33 में से इसको नहीं काउंट करते हैं। इसके बाद में दो नंबर पर बात करते हैं इसकी त्रय की, तो इसमें होता क्या है त हलयुक्त र हलयुक्त प्लस में ए, इनको भी देखेंगे कि त हमने ले लिया है वर्गीय व्यंजनों में, र ले लिया हमने अंतस्थ और ए हमने स्वरों में से ले लिया, इस वजह से हम इसको भी इसके अंदर नहीं पढ़ते। अब देखेंगे इसका सबसे बड़ा रहता है तोड़ कि जय का क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जय प्लस यह, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इसका उच्चारण जय से जानी करते हैं, जय से ज्ञानी करते हैं, तो ये हो गया जानी हो गया और ये हो गया गय प्लस यह ज्ञानी, लेकिन ये दोनों ही गलत है, इसका उच्चारण सही होता है ज्ञान जय, तो उच्चारण सही है तो इसको हम कैसे लिखेंगे जय प्लस इसी लाइन का पंचम यह, इसी लाइन का पंचम ये, तो इसका तोड़ वास्तविक तोड़ ये रहता है और उसका उच्चारण होता है जे जे, तो ये भी हमने ले लिया था और ये भी हमने यहाँ ले लिया और ये हमने स्वरों में ले लिया, इसलिए हम उनको 44 के अंदर काउंट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसकी श्रेय की, इसकी श्रेय की बात करते हैं, तो इसका तोड़ होता है श तालव्य प्लस रे प्लस में ए, स हमने ले लिया था उसमें में, र हमने ले लिया था अंतस्थ में और ए हमने स्वर ले लिया है, तो इस वजह से इन चारों के जो हम मूल वर्णमाला में तो पढ़ते हैं लेकिन हम जो टोटल वर्ण है उनके अंदर हम नहीं लेते हैं। तो अब 44 45 46 47 48 48 कुछ लोग 48 इस वजह से मानते हैं और दो हमने लिखे थे ये टोटल दो और कर दिए तो हो गए 50, कुछ लोग 50 ऐसे मानते हैं, और इसके बाद में दो आगत वर्ण और होते हैं ढ और ढ, तो टोटल हो गए 52। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि 44 हो गए, उसके बाद में चार ये हो गए 48 हो गए, इसके बाद में ये कहा कि दो और ये हो गए 50 हो गए, इन दोनों को मिलाने के बाद में फिर 52 हो गए, इस वजह से कुछ लोगों ने 52, कुछ लोगों ने 46, कुछ लोगों ने 50, अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत यहाँ पर पाए गए, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT ये कहते हैं कि वर्णों की संख्या टोटल 44 ही होगी, और यह हद तक सही भी, यहाँ हमने लग रहा है कि कैसे हमने इसके अंदर ले लिया तैर इसके अंदर ले लिया जय ये इसके अंदर ले लिया शय इसके अंदर ले लिया, तो हम उसको अलग से क्यों देखेंगे। अब एक संयुक्त वर्ण और होता था, व्यंजन और होता था, ये एक और होता था, ये पहले हम संयुक्त के अंदर काउंट करते थे, इसका तोड़ होगा दयादा प्लस ये, लेकिन नए नियमों के अनुसार मानक ये रह गया, ये मानक नहीं ये अशुद्ध है और ये क्या है मानक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि शब्द शुद्धि के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से शब्द शुद्ध है, निम्न में से शब्द शुद्ध है, हमने आज से पहले ये देखा था कि विद्या प्लस आल्य विद्यालय हो गया, ये नहीं देखा था, तो शब्द शुद्धि की बात करेंगे तो ये सही नहीं होगा, सही कौन सा होगा ये होगा और ये गलत होगा, क्योंकि ये अशुद्ध है, मानक रूप इसका क्या हो गया तय हो रही है। तो ये था एक नंबर संयुक्त व्यंजन। अब देखेंगे एक आता है नेक्स्ट इसके बाद में पार्श्विक, पार्श्विक आता है, फिर आता है परकंपित,
परकंपित, इसके बाद में आता है परकंपित या लुंठित, दो नाम होते हैं इनके, परकंपित या लुंठित वर्ण। इसके बाद में आता है दंतोष्ट, इसके बाद में आते हैं आगत या ताड़नजात या फिर उच्चिक। ये भी अलग अलग पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ताड़नजात वर्ण है, निम्न में से ताड़नजात वर्ण है, तो पार्श्व के रहता है ल, कि हमारे जो पार्श्व के भाग है वहां से उच्चारण होता है ल। परकंपित या लुंठित र, र बोलते हो तो सीधा निकलता है र, यानी ये लुढ़क रहा है हमारी जवान से, र बोल के देखना। फिर होता है दंतोष्ट व, उसके बाद में ताड़नजात, ताड़नजात या उक्षिप्त हमने यह बात की थी, दो आगत वर्ण होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा के अंदर आ गए हैं, तो ये होते हैं अलग अलग इनका विभाग। इसके बाद में एक और होता है अर्धस्वर, अर्धस्वर माने जाते हैं, इनकी भी संख्या दो, य और व, इनकी भी संख्या मानी जाती है दो मानी जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे इन वर्णों का उच्चारण स्थान, कि हमने जो 44 वर्ण पढ़े हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होने वाला है, तो नई घड़ी हम डालेंगे, अब अगली बात करेंगे हम उच्चारण स्थानों की। उच्चारण स्थान क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं, कि निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा या निम्नलिखित वर्ण कौन से हैं, दो प्रश्न हो गए इनकी हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो उच्चारण स्थान मुख्य रूप से पांच प्रकार से ही होते हैं, मुख्य रूप से उच्चारण स्थान पांच प्रकार से, तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, वो सूत्र हम काम में लेंगे, और इस सूत्र के कारण हम उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा इजी बेस पर हम देखेंगे। कै ता मू द ओ, इनका क्रम यही रहेगा, इनका क्रम यही रहेगा, क्योंकि ये कंठ तालु मूर्धा फिर दंत फिर ओष्ठ, यानी उनको बोलेंगे तो इनका क्रम यही रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो इनका क्रम है यही रहने वाला है। और इसी प्रकार से वर्णों जो हमारे व्यंजन है इनका भी क च ट त और प, इनका भी क्रम लगातार है, क वर्ग वाली लाइन, च वर्ग वाली लाइन, ट वर्ग वाली लाइन, त वर्ग वाली और प वर्ग। इस क का मतलब हो गया ये कंठ, इसका मतलब हो गया ये तालु, इसका मतलब हो गया ये मूर्धा, इसका मतलब हो गया ये दंत, और इसका मतलब हो गया ये ओष्ठ, होट। इसका मतलब हुआ जी कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग। अब इनको मिलान करना है, 25 का उच्चारण स्थान बिल्कुल इजी बेस में, क्रम बेस में, यानी कै वाली पूरी लाइन कंठ होती है, पूरी वर्ण होते हैं वो तो कंठ होते हैं, जो कंठीय वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। इनका हम एक क्वेश्चन के आधार पर करेंगे, ये च वाली लाइन तालु, ट वाली लाइन मूर्धा, त वाली लाइन दंत और प वाली लाइन होती है ओष्ठ। ये हम जान रहे हैं व्यंजन। अब व्यंजनों में बच गया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या चार, वो बच गए जो उसमें व्यंजन है वो, तो हम यहां पर देखेंगे य र ल और व, इनका भी कर्म लगातार हमें करना है, यहाँ पर लगातार करना है। इसके बाद में हम जो आगे वाली लाइन है स, फिर ये स लेकिन है यहाँ पर आएगा, है होता है विसर्ग, और विसर्ग आता है कंठ में, विसर्ग आता है कंठ में, ये हो गया य र ल व, और तीनों से का क्रम लगातार और है का क्रम थोड़ा पीछे करेंगे,
तो विसर्ग के स्थान पर आएगा। अब ये हो गया हमारे 33 वर्ग जो व्यंजन है वो क्लियर हो गए। कै वाली पूरी लाइन आएगी कंठ और है कंठ में आएगा, तालु चै वाली लाइन यह और श, इसके बाद मूर्धा टै वाली लाइन पूरी, फिर रे और श, दंत दंत में आएगी जी तय वाली लाइन ले और श, और ओष्ठ होगा व। तो ये हो गया 33 का वर्गीकरण। इसके बाद में देखेंगे हम स्वर, 11 स्वरों का उच्चारण स्थान होता है। हम लगातार लिखेंगे, संख्या लगातार लिखेंगे, ए या आ कंठ होगा, इसके बाद में ई बड़ी दीर्घी होगी, उसका उच्चारण स्थान तालु होगा, इसके बाद में रे का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, इसके बाद में दंत खाली रहता है स्वरों में और यहां पर रहता है ये उ और उ। मुख्य रूप से इन स्वरों का वर्गीकरण ये होगा, 7 इसके अंदर आ गए, लेकिन 4 होते हैं वो अलग अलग जगह से उच्चारित होते हैं। मुख्य उच्चारण ये होगा इनका कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये वर्ण हो गए। अब अगर पूछेंगे निम्न में से कै वर्ग है, कंठ्य वर्ण है या कंठ वर्ण है, तो उनका उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ और उनका वर्ण कौन से हो गए, ये कंठ्य वर्ण। अब इसके बाद में ये देखेंगे जी प लाइन पूरी और उ, ये वर्ण कौन से हैं, ये है कंठ सॉरी ओष्ठ वर्ण होंगे और इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। अब बच के पास हमारे पास बच गए 4 स्वर, ए आई ओ और औ, हमारे पास बच गए 4 स्वर और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब देखेंगे ए का निर्माण, हम ए है इसका निर्माण हमने जब जो स्वर है उनमें जब विभाजन किया था तब देखा था कि ये बन रहा था ए प्लस ई से। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और इसका उच्चारण स्थान ए का क्या है, तालु है। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ये कंठ तालु मिलकर बन गया कंठ का। अब इसका उच्चारण स्थान ए प्लस ए, ए प्लस ए। अब ए का उच्चारण स्थान वापिस क्या देखा हमने, कंठ और ये हो गया तालु, कंठ तालु, यानी टोटल मिला के दोनों क्या हो गया, ये कंठ तालु। तो दो की बात और क्लियर होगी, इसके बाद में दो और देखेंगे। ओ ए इसका निर्माण ए प्लस ऊ से, ए होता है वापिस यहां से कंठ और उ होता है ओष्ठ, तो दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इसी प्रकार से औ का देखेंगे, इसका होता है तोड़ ए प्लस ओ, ए प्लस ओ, ए का उच्चारण स्थान क और ओ होता है ओष्ठ, ओ होता है ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से जो 44 वर्ण है उनके उच्चारण स्थान अलग अलग हो गया, कैसे कंठ वर्ण हो गए, कंठ उच्चारण स्थान कंठ और उनका वर्ण हो गए कंठ है, तालु तालव्य वर्ण, मूर्धा मूर्धन्य वर्ण, दंत दंत्य वर्ण, ओष्ठ ओष्ठ्य वर्ण। इसमें से इस प्रकार से आता है कि यह च छ यह और स वर्ण है, च छ यह से वर्ण है, तो इसमें होगा एक नंबर ऑप्शन पर होगा जी कंठ्य वर्ण, दो पर होगा कंठ वर्ण, तीन पर तालु, चार पर तालव्य। अगर यहां पर वर्ण पूछा है तो ये वर्ण है तालव्य वर्ण,
अगर इनका यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि जैस है यस है का उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा इनका तालु। तो दो क्वेश्चन हो गए, दो अलग अलग उत्तर। उच्चारण स्थान तो इनका तालु और वर्ण है ये तालव्य। तो इसके बाद में व्यंजन है उनका भी वर्गीकरण घोष या नाद के आधार पर हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे हम नाद या घोष के आधार पर, नाद या घोष के आधार पर, घोष या आधार पर हम उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो ये दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है या दो प्रकार से इसको बांटा जाता है। एक नंबर पर होता है अघोष यानी कम नाद, ए मतलब बिना, घोष का मतलब आवाज यानी कम आवाज के साथ, और दो नंबर पर होता है सघोष यानी आवाज के साथ। तो इनका वर्गीकरण हो गया अघोष और सघोष। अघोष की संख्या मानी जाती है 13। टोटल वर्ण है हमारे पास 44, 13 यहाँ कट हो गई, अब बच गए कितने 31। 13 का उल्टा 31, अघोष 13 और सघोष 31। अब देखेंगे 13 होते कौन कौन से। तो हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी हमारे पास टोटल वर्ग होंगे 5 और उसका पहला दूसरा यानी दो, टोटल हो गए 10। टोटल हो गए 10। जैसे बात करते हैं 10 कौन कौन से हैं, लिखते हैं हर वर्ग का यानी कै वर्ग का पहला दूसरा, इसके बाद में चै वर्ग का पहला दूसरा, इसके बाद में टै वर्ग का पहला दूसरा, इसके बाद में तै वर्ग का पहला दूसरा और अंतिम पैवर का पहला दूसरा। टोटल हो गए 10। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन प्रथम तीन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 4, जिसमें से प्रथम तीन लेने हमें शय, तीनों शय तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। टोटल इस प्रकार से टोटल कुल हो गए हमारे पास 13 अघोष, और बाकी इसके अंदर आएंगे बाकी जो भी बच गए सारे वर्ण, बाकी वर्ण 44 में से 31 बच गए वो सारे होंगे सघोष वर्ण। इसके बाद में देखेंगे हम प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण, प्राण वायु के आधार पर वर्गीकरण। कि हवा किस प्रकार से निकलती है, जिसमें घर्षण तेज होता है या कम होता है, प्राण वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यह भी दो प्रकार से किया जाता है। एक नंबर पर अल्प प्राण कम वायु लगे और दो नंबर पर महाप्राण ज्यादा वायु लगे। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण की संख्या 30 होती है और महाप्राण की संख्या होती है 14, यानी टोटल हमारे पास 44 है, 33 ये निकाल दिए और बच गए 14 ये। अब देखेंगे कि महाप्राण कौन से होते हैं और अल्प प्राण कौन से होते हैं। महाप्राण देखते हैं पहले कि
हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। वर्ग हमारे पास में पांच है और दो वर्ण हमें निकालने हैं प्रत्येक वर्ग से, तो 10 हो गए। और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन होते हैं हमारे पास चार, चार हो गए और टोटल हमारे पास हो गए 14। बाकी सारे वर्ण, जो बाकी सभी वर्ण हैं, बाकी सभी वर्ण 30 अल्प प्राण होते हैं। 15 वर्गीय व्यंजन बच गए, चार अंतस्थ, 11 स्वर। तो इस प्रकार से टोटल 30 वर्ण होते हैं। प्राण वायु के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया वर्णों का, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत हम देखेंगे कि हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, यानी टोटल पांच वर्ग, दो हो गए 10, और उसमें व्यंजनों की संख्या चार, और है टोटल 14 हो गए। इसी प्रकार से बाकी जो सभी वर्ण है वो 30 होंगे। 15 वर्गीय व्यंजन बच गए, चार अंतस्थ और 11 स्वर, टोटल हो गए 30। तो दोस्तों ये था वर्णों का विभाजन, कुल 44 वर्ण है, हमने उनको स्वर 11 और व्यंजन 33, उनका अलग-अलग तरीके से वर्गीकरण किया। तो धन्यवाद। सही मनो